अपराध कारित करने के आरोप में दो अभियुक्तों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से लूट की दो पीली धातु चेन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 70 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। 32 नए जेल वार्डन का प्रशिक्षण वरिष्ठ जेल अधीक्षक डी के पांडे की अध्यक्षता में हुआ शुभारंभ। जेल के कार्यों की दी गई विस्तृत जानकारी। नगर निगम ने गोलघर को नो पार्किंग जोन व नो वेंडिंग जोन किया घोषित। सड़कों पर चार पहिया वाहन खड़ा करने वाले वाहनों का किया जाएगा चालान। वाहनों को खड़ा करें मल्टी लेवल पार्किंग में, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। गीडा की नवागत सीईओ अनुज मलिक ने कारभार ग्रहण करते हुए पहली प्राथमिकता पर कहा, धुरियापार इंडस्ट्रियल एरिया को किया जाएगा डेवलप। 3 गांव का किया जा चुका है अधिग्रहण, तेजी से कार्य चल रहा है आगे। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा रात में इंदिरा बाल विहार पर चलाया गया सफाई अभियान। कचरा फैलाने वाले दुकानदारों का काटा गया चालान। कचरा कूड़ा गाड़ियों में देने के लिए सभी दुकानदारों को दी गई हिदायत। 1 नवंबर से मंडल के चारों जनपदों में शुरू होगी धान खरीद। 533 धान क्रय केंद्र है संचालित। प्रभारियों को किया जा रहा नियुक्त। संभागीय खाद नियंत्रक अनुज मलिक ने दी जान। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने लूट का अपराध करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सचिदा निषाद पुत्र परमहंस निषाद निवासी ग्राम महला दहला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सागर साहनी पुत्र राजकुमार साहनी निवासी ग्राम महला दहला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से दो पीली धातु की चेन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 70 रुपए नगद बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ है कि दिनांक 29 अगस्त को शाम के समय पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास ही एक व्यक्ति से चेन लूटी थी तथा दिनांक 21 सितंबर को आजाद चौक के पास से एक महिला के गले से सोने की चेन लूटे थे। अभियुक्त उपरोक्त रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की कीमती सामान जैसे आभूषण, चेन आदि छीनते हैं तथा लोगों के घर में घुसकर चोरी करते हैं। इस प्रकार की घटना इन्होंने थाना पिपराई क्षेत्र में वर्ष 2020 तथा थाना खोराबार क्षेत्र में वर्ष 2021 में किया था, जिनको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी कमलेश यादव, उप निरीक्षक अमित चौधरी, हेड कांस्टेबल सरोजीत यादव, राहुल यादव, आशुतोष पांडे, उदय प्रताप सिंह शामिल रहे। जिला कारागार में आए 32 नए जेल वार्डन का प्रशिक्षण वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे की अध्यक्षता में शुरू हुआ, जिसके संबंध में जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने बताया कि इस समय 32 नए जेल वार्डन जेल में आए हुए हैं, जिनका मूलभूत प्रशिक्षण होना है, जिसका शुभारंभ हुआ है, जिसका निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है। इसमें निर्धारित किया गया है कि प्रशिक्षण और उसका सिलेबस मुख्यालय प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ये लोग पूरी तरह से जेल वार्डन बन जाए और अपना कार्य आसानी से कर सकें। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। है ना, तो कोई कोई खतरा, कोई एक पिंजल में डाटा भरता है, सारे बंदे जो आना, जिसका एक पूरे देश के प्रदेश जेल का हुआ, अपने एकत्र जेल में भी कुछ भी आदेश देगा ना, उसका पालन करना एक के लिए समझ। कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि मैं सारे काम नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो आप जो मानो आपने कहा नहीं कि हम ये काम नहीं करेंगे, बट जो काम बताया गया उसके लिए अनुकूल आपको होना पड़ेगा।
एक देखो पट्टी चल रहे हैं कोई सिपाही है ना, नवरात में काम कर रहा है, मुरैदा करना, रिहाई करना, केसी कराना, सब करता रहा। अभी आपकी केसी के लगाते हैं हम वहाँ पे, सबसे पहले तो आप लोग यही बोलोगे कि साहब हमको कुछ उसके बारे में मालूम नहीं है, नहीं तो फंसे रह जाऊँ, कुछ बात न होते गलती न होते, तो उसके लिए भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी इसी सारे बंदियों का। और इनका संकलित मतलब वो करके वो एक पोर्टल है जिसके उस पर सब उपलब्ध रहता है, उसमें पुलिस किसी भी अपराधी के बारे में जान सकती है कि वो आदमी जेल में है कि नहीं है, बाहर है कि जेल में है, तो अपराध के अन्वेषण में आसानी है कि नहीं। जेल में क्या है कि प्रिजन पे अपना डाटा हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है ना, जो छूट गया उसको भैया दिखाना और जो आया है उसको इन करना। बंदी केसी पे गया तो केसी के लिए आउट, शाम को आया तो फिर इन, ये लंबा प्रोसेस है, ये सब नहीं अभी हो पाता है। किसी प्रकार बंदियों की मुलाकात है, आप लोग देखते होंगे जगह जगह जो है क्या कहते हैं पैदल रोकने लगवाए हैं, कभी कभी नाम भी करते हैं, क्या नाम मुलाकात करने के लिए पब्लिक को प्रोत्साहित करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डी के पांडे ने कहा, ये नए भर्ती हुए जेल वार्डर हैं, इनको 45 दिन का प्रशिक्षण संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में दिया गया है, लेकिन मूलभूत प्रशिक्षण जो है 5 महीना का है, तो अवशेष 105 दिन का प्रशिक्षण महानिरीक्षक कारागार द्वारा कारागारों पर दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, उसी के अनुपालन में इनका प्रशिक्षण जो है आज से शुरू हो रहा है। इसमें निर्धारित किया हुआ प्रशिक्षण और उसका सिलेबस मुख्यालय से प्राप्त है, उसी के अनुसार अच्छे तरीके से इनका प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिससे ये लोग भविष्य के लिए अच्छे मतलब कर्मी बन के तैयार हों और अपनी चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकें। ऑर्डर है जिनका प्रशिक्षण आरंभ किया गया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नगर निगम ने गोल घर को नो पार्किंग जोन व नो वेडिंग जोन घोषित किया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गोल घर को नो पार्किंग जोन व नो वेंडिंग जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसको लेकर मेयर की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक भी हुई थी। पहले चरण के क्रम में गोल घर में सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ चालान किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को क्रेन से उठाकर पार्किंग में ले जा रहे हैं और 1,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से 15 दिनों से व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने वाहन को मल्टी लेवल पार्किंग में ही खड़ा करें, जो कि 4 पहिया वाहन को खड़ा करने के लिए बनाया गया है, जिसमें 250 से ज्यादा कार खड़ी हो सकती है, इसलिए वाहनों को सड़कों पर खड़ा ना करें क्योंकि इससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि गोलघर को, क्योंकि शासन की मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गोलघर को हमें नो पार्किंग जोन और नो वेंडिंग जोन के रूप में दर्ज किया जाना है। इस बाबत माननीय मेयर महोदय की समीक्षा भी हुई थी, व्यापार मंडल गोलघर व्यापार मंडल एसोसिएशन के साथ 2-3 राउंड की वार्ता भी हुई थी। अपर नगरायक द्वितीय निरंकार सिंह और हमारी ETF की टीम इसको कार्य को संपादित कर रहे हैं, तो पूरे गोलघर को हमने नो पार्किंग जोन घोषित किया। तो प्रथम चरण में हम जो 4-व्हीलर्स है उन 4-व्हीलर्स की गाड़ियों पे चालान कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को उठा के पार्किंग में लेके जा रहे हैं और 1,000 रुपये का चालान इसमें किया जा रहा है। लगातार 15 दिनों से लगातार इसमें अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, सभी व्यापारी बंधुओं से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सभी ग्राहकों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ा ना करें, क्योंकि गोलघर में मल्टी लेवल कार पार्किंग हमारे पास ऑलरेडी बन गया है
और इसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग में लगभग 250 से अधिक कारें खड़ी हो सकती हैं एक साथ, तो गाड़ियों को उस गोलघर की सड़कों पर खड़ा ना करें जिससे अनावश्यक जाम की समस्या उत्पन्न होती है, हमारे नागरिकों को हमारे शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में गोलघर के पूरी व्यावसायिक रोडों पे ये अभियान चल रहा है और आगे भी अभियान चलता रहेगा। तो गोलघर को नो पार्किंग जोन बनाने में सभी हमारा सहयोग करें। अगर कोई गाड़ी पाई जाती है, फोर व्हीलर पाया जाता है, तो 1000 रुपये का जुर्माना उस पर किया। CEO गीडा अनुज मलिक ने कार्यभार ग्रहण करने पर कहा कि मैंने 17 सितंबर को CEO गीडा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि धुरियापार इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाए, जो कि 5,500 एकड़ में डेवलप होगा, जिसके 3 गांव को हम लोगों ने अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा सेक्टर 27 व 28 तथा भगवानपुर नरकटहा कॉरिडोर के एक्सटेंशन के लिए शासन से 125 करोड़ रुपए आ गया है। इसके अलावा 2 और गांव का सहमति पत्र मिल गया है, उसका बैनामा तेजी से स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जो 200 प्लाट हैं उसकी विज्ञप्ति जारी कर आवंटित करने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CEO गीडा अनुज मलिक ने कहा, मुझे 17 सितंबर को CEO गीडा के पद पर तैनात किया गया और कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारी गीडा में जो मुख्य प्राथमिकताएं हैं वो है धुरियापार जो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया हम लोगों को डेवलप करना है 5,500 एकड़ में, उसका 3 गांव की में हम लोगों ने अधिग्रहण स्टार्ट कर दिया है, वो प्राथमिकता पे रहेगा। साथ ही सेक्टर 27 और 28 के साथ भगवानपुर नरकटहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सटेंशन के लिए भी शासन से 125 करोड़ रुपए हमारे पास आ गया है, तो उसमें भी 2 गांव चक भोप और कखना में हम लोगों के पास करीब 80% सहमति आ गई है, तो उसका भी हम लोग बैनामा तेज़ी से स्टार्ट करेंगे। और साथ में जो हमारे प्लॉट्स अभी अलॉट नहीं हुए हैं, खाली हैं, करीब 200 से अधिक प्लॉट हैं, उसका आने वाले सप्ताह में हम उसकी विज्ञप्ति जारी करके उसमें आवंटियों को अलॉट करने की प्रक्रिया भी स्टार्ट। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नगर निगम के द्वारा नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में रात में इंदिरा बाल विहार पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि संचारी रोग अभियान के अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के केस होते हैं, जिसको देखते हुए हर वार्ड में एंटी लार्वा का छिड़काव व शाम को फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है और सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने 30 मशीनों को खरीदा है जिससे फॉगिंग का कार्य आसानी से हो सके। हर वार्ड में 2 एंटी लार्वा मशीन को दिया गया है। उन्होंने कहा हर वार्ड में नगर निगम की टीम एंटी लार्वा स्प्रे व शाम को फॉगिंग का कार्य कर रही है, जिसमें 160 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिसकी निगरानी शासन से हो रही है। जहाँ पर भी डेंगू के ज्यादा हैं वहां पर पहले से छिड़काव किया जा रहा है और जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। धन्यवाद।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, संचारी रोग अभियान के अंतर्गत चूंकि जिले में डेंगू मलेरिया जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एई इसके केसेस होते हैं, तो एहतियातन तौर पर शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक वार्ड में एंटी लार्वा का स्प्रे और शाम को फॉगिंग की कार्रवाई की जा रही है। अभी नगर निगम गोरखपुर ने लगभग 30 मशीनों का क्रय किया है जिससे शहर में वृहद स्तर पर फॉगिंग की कार्रवाइयाँ हो पाएँ। प्रत्येक वार्ड में दो दो एंटी लार्वा मशीनें भी दी गई हैं। रोस्टर बनाकर हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है। 43 एरियाज़ में लगातार रोस्टर के हिसाब से नगर निगम की टीमें मॉर्निंग में एंटी लार्वा स्प्रे और सायंकाल में फॉगिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 160 कर्मचारी इस कार्य को प्रतिदिन संपादित कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम से लगातार इसका फीडबैक लिया जा रहा है माननीय पार्षदगण, माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण, साथ ही साथ जो भी जिले के जो शहर के सम्मान नागरिक हैं उनके साथ मिलकर हम इस कार्य को संपादित कर रहे हैं। जहाँ जहाँ डेंगू के केसेस स्पॉट हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर हम और ज़्यादा एहतियातन बरत रहे हैं ताकि डेंगू का फैलाव कहीं और ना हो। अभी हाल फिलहाल में रात्रिकाल में भी हमने शुरुआत की है इसको लेके पिछले दो दिनों से, तो कल रात्रिकालीन में पूरी नगर निगम की टीम अली नगर घंटाघर से लेके बख्शीपुर रेती तक पूरे अलग अलग गलियों में न केवल एंटी लार्वा का स्प्रे किया बल्कि फॉगिंग भी किया और जो गंदगी कर रहे थे जिन्होंने जल जमाव कर रखा था उनको भी चालान काटे। तो इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेंगी। अभी अगला एक महीना काफ़ी क्रूशियल है। आप सबके माध्यम से सभी गोरखपुर वासियों से अपील भी करना चाहेंगे कि अपने घरों में जल ना इकट्ठा होने दें, अपने कूलर अगर कूलर में कहीं पानी है, फ्रिज का कहीं पानी है, कहीं गमलों में पानी लगा हुआ है उसको निरंतर बदलते रहें ताकि डेंगू का जो लार्वा है उसको हम परंपरा ना दें। नगर निगम की टीम पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से लगभग 30 से अधिक मशीनों का लगभग क्रय किया है जिसकी लागत लगभग 60 लाख से अधिक है। लगातार फॉगिंग की कार्रवाई चल रही है, रात्रिकालीन फॉगिंग अच्छे से हो रही है। शहर के मुख्य मार्केट में, शहर के प्रतिष्ठित बाजारों में फॉगिंग की कार्रवाई हो रही है। आगे ऐसी इसी तरीके से कार्रवाई। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। संभागीय खाद नियंत्रक अनुज मलिक ने बताया कि 1 नवंबर से मंडल में धान खरीद होगी। अभी मंडल में 533 धान क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 43 धान क्रय केंद्र ज्यादा स्थापित हुआ है, जिसकी ऑनलाइन जियो टैगिंग के माध्यम से प्रभारियों को नियुक्त किया जा रहा है। जो भी यंत्रों की आवश्यकता है उसका जायजा ले रहे हैं, लेकिन अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद नियंत्रक अनुज मलिक ने कहा, मेरे पास CO के साथ RFC का भी कार्यभार है और 1 नवंबर से हमारे मंडल में धान खरीद स्टार्ट होगी। अभी हमारे वर्तमान में 533 धान खरीद केंद्र चारों जनपदों में हम लोगों ने स्वीकृत कर लिए हैं, जो गत वर्ष के सापेक्ष 43 एक्स्ट्रा धान क्रय केंद्र हम लोगों ने स्थापित किए हैं। इसकी ऑनलाइन जियो टैगिंग, इस पे प्रभारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया हम लोगों ने अब स्टार्ट कर दी है और जो भी उसमें यंत्रों की आवश्यकता है, मॉइस्चर मशीन है, पावर डस्टर है, छलनी है, उस सब की हम लोग रिव्यू कर रहे हैं ताकि सारे सेंटर्स पर उचित मात्रा में हमारे सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहे। अभी लक्ष्य हम लोगों के पास निर्धारित होकर नहीं आया है, सिर्फ सेंटर्स जो हमारे गत वर्ष में थे उससे हमने 43 ज़्यादा